नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी केस की जांच के लिए एसआईटी की टीम, आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास और लतीफ और साथ ही शेखर को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंची है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 3 अक्टूबर के दिन आखिर क्या हुआ था, घटना के वक्त कौन किस गाड़ी में सवार था। घटना की हकीकत जानने के लिए एसआईटी की टीम ने घटना वाली जगह पर पुतले भी लगाए, यही नहीं उन पर गाड़ी भी चढ़ाई गई ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। 3 अक्टूबर की घटना के बाद आशीष मिश्र 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक वो पुलिस रिमांड पर है। घटना के दूसरे आरोपी अंकित दास, लतीफ और शेखर ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद तीनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और ऐसे में एसआईटी की जांच अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। घटनास्थल पर पहुंची है एसआईटी की टीम सभी आरोपियों को लेकर और एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे ये हिंसा भड़की। ये देखिए किस तरीके से सीन रिक्रिएट किया गया, क्योंकि उस वक्त हिंसा के दौरान 3 गाड़ी मौजूद थी। ये तीनों गाड़ियां किस तरीके से किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी और एक गाड़ी जो पलट गई थी, जो कि खाई में गिरी थी, तो इन तमाम चीजों को एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक मिलाते हुए उस पुख्ता सबूतों के साथ एसआईटी की ये 9 सदस्यीय की टीम ये जानने की कोशिश आज कर रही है घटनास्थल पर मौजूद रहकर कि किस तरीके से हिंसा को भड़काया गया था, किस तरीके से लोगों की जान ली गई थी और उसके बाद जो भीड़ थी, भीड़ किस तरीके से उग्र होती हुई नजर आई। तो न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, डमी के जरिए सीन को रिक्रिएट किया गया और ये गाड़ियां 3 गाड़ी जो कि आगे पीछे चल रही है, पहली गाड़ी जो कि इन 3 लोगों को कुचलकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये डमी के जरिए सीन को रिक्रिएट किया गया ताकि वो तमाम सबूत, तमाम एविडेंस जुटा लिए जाए जिसके तहत पुलिस की टीम या एसआईटी की टीम के तमाम जो आरोप है उनको बल मिल पाए, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है सभी आरोपी और इन्हीं से सवालों की बौछार की जा रही है, सभी से क्रॉस सवाल जवाब किए जा रहे हैं और हर एक वीडियो की जांच पड़ताल तेजी से हो रही है, क्योंकि तमाम तरह के वीडियोस भी आशीष मिश्र की तरफ से पेश किए गए हैं। दर्जन भर लोगों के दस्तखत वाले हलफनामा भी पेश किया गया है जो कि इस बात को लेकर बताते हुए नजर आते हैं कि जब हिंसा हुई, यानी कि 2:40 के बाद जब ये हिंसा भड़की, जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उस स्थल पर मौजूद थे जहां पर दंगल का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन अभी तक उस वीडियो को लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या वाकई उस वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि तमाम तरह के वीडियोस जो दिखाए गए थे आशीष मिश्र की तरफ से उसमें 2:40 से 3:30 बजे के समय के बारे में कोई क्लिप नहीं था। तो ऐसे में एसआईटी की टीम साफ तौर पर यही कह रही है कि पहले आशीष मिश्र यहीं पर थे और फिर बाद में दंगल कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन दूसरी ही तरफ वो तमाम आरोपी जो कि मुख्य तौर पर इस हिंसा में शामिल थे, उस वक्त मौजूद थे, कार में सवार थे, उन सभी को भी लेकर यहां पर पहुंची एसआईटी की टीम और अभी फिलहाल उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर लगातार आशीष मिश्र ये दावा कर रहे हैं कि उस जगह पर मौजूद थे जहां पर दंगल का कार्यक्रम चल रहा था। ये कुछ देर पहले जब एसआईटी की टीम पहुंची, 9 सदस्यों की टीम, तो गाड़ी में सवार होकर उन सभी आरोपियों को गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी को शुरू किया गया और एक के बाद एक 3 गाड़ियां, क्योंकि उस वक्त हिंसा के दौरान भी 3 गाड़ी मौजूद थे, थार मौजूद थी, फॉर्चुनर मौजूद थे और एक और गाड़ी मौजूद थे, उन सभी गाड़ी में ये सभी आरोपी मौजूद थे और जो ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था उससे जब पूछताछ की तो अहम खुलासे किए गए कि किस तरीके से स्पीड को बढ़ा दिया गया था और तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो कि लगातार इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, उन पर गाड़ी को चला दिया गया, यानी कि रौंद दिया गया उन सभी को। तो किस तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि ये तमाम एविडेंस इस वक्त एसआईटी के लिए बहुत जरूरी है ताकि पुख्ता तौर पर अपने तमाम आरोपों को सही तरीके से पेश किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है लेकिन कुछ दिनों का और वक्त बाकी है और ऐसे में हर वक्त का सदुपयोग करते हुए एसआईटी की टीम हर एक जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई और सीन को रिक्रिएट करके एक बार फिर से उस घटना की तस्दीक करना चाहती है कि आखिर कैसे और कब हिंसा भड़की। और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जहां पर यह घटना हुई, घटनास्थल से सीधे लाइव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि डमी के जरिए एक बार फिर से उस सीन को रिक्रिएट किया गया,
तमाम तरह के लूप्स भी नजर आए थे अभी तक की जांच में। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि हर लिहाज से अब एसआईटी की टीम अपने आप को स्ट्रांग कर लेना चाहती है पुख्ता सबूतों के साथ? देखिए यकीनन रितिका, इस वक्त मैं उसी स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, 1 पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं आपसे कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहाँ पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी और वो ये देख रही थी कि कैसे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। इस दौरान सबसे पहले जो आपको यहाँ पर कुछ जला हुआ सा राख नज़र आ रही है ये वो घटनास्थल है जहाँ पर सबसे पहले जो थार जीप थी वो तेज़ रफ्तार से आती है और किसानों को कुचलते हुए यहीं पर पलट जाती है, जिसके बाद आक्रोशित किसान इसमें आग लगा देते हैं और जो लोग होते हैं उनकी भी पिटाई की जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी होती है ब्लैक फॉर्च्यूनर, जिसमें अंकित दास और उसके निजी गनर के साथ ही उसका ड्राइवर मौजूद होता है, वो यहाँ पर आगे बढ़ता है। ब्लैक फॉर्च्यूनर आगे आती है और वहाँ से बढ़कर आगे आकर ये जो दूसरा प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पर वो फॉर्च्यूनर पलटती है, जिसके बाद वो बचकर यहाँ से भाग लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस घटना के अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और जो तीसरी गाड़ी सबसे पीछे होती है स्कॉर्पियो, वो यहाँ से भागने में सफल रहती है और सीधे निकल जाती है। आप सामने देख रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम थी वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बाकायदा उसने डेमो लिया और थार की जगह पुलिस जीप लगाई और पीछे एक गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो को एक बार आप कह सकते हैं कि रिहर्सल किया, क्राइम सीन क्रिएट किया कि कब कौन पहले आया और उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर इस घटना का मुख्य आरोपी है और साथ ही साथ आपने देखा कि इस घटना को लेकर किस तरह सिर्फ लखीमपुर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काफ़ी आक्रोश रहा है, जिसके मद्देनज़र एसआईटी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा लूपहोल छोड़ा जाए जिसके आधार पर जो आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बच सके। इसी के चलते आज इन सभी आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वही घटनास्थल है जहाँ पर थार जो किसानों के ऊपर चढ़ी थी वो यहाँ पर पलटती है। आप भी हड़दड़ मची थी उसके, आप देख सकते हैं कि कुछ जूते और चप्पल मौजूद हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस थार जीप में आग लगा दी गई थी और जो लोग मौजूद थे उन लोगों की भी बाद में मौत हो गई थी। एसआईटी इस बात की है कि क्या उन लोगों की मौत इस थार जीप में जलकर हुई थी या फिर जो आक्रोशित लोग थे उनकी पिटाई से हुई थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को सीज किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो उसका गांव यहीं से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहाँ पर रहने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आज उसको लाया गया है। ऐसे में CRPF RAF समेत तमाम फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। SIT की टीम अब यहाँ से आगे जा रही है क्योंकि अब तक सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आशीष मिश्रा की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है, कोई ऐसा साक्ष्य और प्रमाण SIT की टीम के पास नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा मौके पर था। और यही कारण था कि आज 4 आरोपियों को जिनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उसमें आशीष मिश्रा शामिल है, अंकित दास है, उसका गनर है और ड्राइवर है, इन तीनों को तो उतारा गया लेकिन आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा। वो शुरुआती दौर ये कह रहा था कि जब यह घटना हुई तब वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद था, वो घटनास्थल पर नहीं था। हालांकि चाहे आशीष मिश्रा हो या उनके वकील हो वो भी एसआईटी के सामने कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं रख पाए हैं जिसके आधार पर वो दावे से कह सके कि दोपहर 2:36 से 3:30 तक वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में एसआईटी को यह लगता है कि आज जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है उसके जरिए यहां पर कुछ ऐसे और पुख्ता साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं जिसके आधार पर साबित किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता रही है और उसी के चलते इन तमाम आरोपियों को आज मौके पर लाया गया है। अब एसआईटी की टीम बनवीरपुर के लिए बढ़ी है जहां पर आशीष मिश्रा का घर है और उस दंगल के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था जिस दंगल में आशीष मिश्रा खुद के होने की पुष्टि कर रहा था। और साथ ही साथ एसआईटी टीम आशीष मिश्रा की उस राइस मिल पर भी जाएगी जिसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पिस्टल में लोड करते नजर आ रहा था।
तो एसआईटी ये चाहती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है कि बिल्कुल राजीव हाई प्रोफाइल मामला है और सीधे तौर पर मंत्री के भी इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो रिक्रिएशन किया गया है, अब कितनी बड़ी भूमिका ये निभा सकता है ये पूरा का पूरा रिक्रिएशन एसआईटी की जांच में, क्योंकि अभी फिलहाल पूरा का पूरा जोर यही है कि किसी भी तरीके से वो पुख्ता सबूत हाथ लग पाए जो कि इस बात की तस्दीक करे कि घटना के वक्त आशीष मिश्र मौजूद थे। लेकिन अभी तक तमाम तरह के वीडियोस में इस बात की पुष्टि नहीं होती है। जी राजीव, यकीन चाहे जो लोगों को देखा जाए तो इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 4 को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान जो 4 लोग हैं उनसे लंबी पूछताछ के बावजूद अभी भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत और साक्ष्य एसआईटी के हाथ नहीं लगा है जिसके आधार पर एसआईटी ये दावा कर सके कि आशीष मिश्रा घटना के वक्त 3 अक्टूबर को इस स्थान पर मौजूद था। और यही कारण है कि अब से कुछ देर पहले जब एसआईटी की टीम यहाँ पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी तो तीनों अदर जो आरोपी थे, चाहे वो अंकित दास हो या उसका ड्राइवर शेखर हो या फिर उसका जो निजी गनर लतीफ हो, जिसकी राइफल से जिसके वेपन से उस वक्त गोली चलाई गई वो हो, उसको तो यहां पर उतारा गया, लेकिन आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा। इसका मतलब साफ है कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर नहीं था। लेकिन एसआईटी टीम सिर्फ इन्हीं गवाहों पर भरोसा नहीं कर सकती, वो चाहती है कि तमाम लोगों ने, जो लोगों ने आशीष मिश्रा को देखा है, उन लोगों से भी अभी इन आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि वाकई आशीष मिश्रा इस घटना स्थल पर था या नहीं। अभी तक की जो जांच में सामने आया है उसमें अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो वो सिर्फ 120 हो सकता है, साजिश रचने का आरोप हो सकता है। लेकिन 302 और 304A यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होने के मामले में अब तक आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत तो नहीं मिला है। ऐसे में एसआईटी टीम अब साक्ष्य संकलन के लिए आगे की ओर रवाना हुई है। वहां पर पहुंचकर वो जो दंगल स्थल है वहां पर पहुंचेगी और देखने की कोशिश करेगी कि कब इस घटना की जानकारी आशीष मिश्रा को मिली और किसके कहने पर। इस दौरान जो जांच में बात सामने आई है उसमें एक आरोपी ने ये बात जरूर कही है कि जब आशीष मिश्रा को ये जानकारी मिली कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने ये बात कहा था कि चलो चलकर देखते हैं उनको, और उसके बाद लोग आगे बढ़े थे। लेकिन वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि वो भी आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद थे। तो ऐसे में अभी क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है इसीलिए एसआईटी नहीं चाहती कि इसकी जांच में कोई चूक हो, क्योंकि दोनों पक्ष ही गंभीर हैं, चाहे किसानों का पक्ष हो चाहे फिर केंद्रीय मंत्री का हो, तो ऐसे में वो कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। और यही कारण है कि एक एक साक्ष्य एक एक पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए आज वो यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंची है और अब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद वो बनबीरपुर एसआईटी टीम रवाना हुई है, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि आगे इस इलाके को सीज किया गया है, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहां पर अब ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर आशीष मिश्रा कहां था। उस दौरान आशीष मिश्रा बताएगा कि वो दंगल स्थल पर था और या फिर वो राइस मिल पर था, क्योंकि आशीष मिश्रा का पक्ष भी अभी ये नहीं साफ कर पाया है कि जब ये घटना हुई 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 तक, तो इस दौरान की जो लोकेशन है आशीष मिश्रा की वो ये नहीं साबित कर पा रहा है कि वो इस घटना स्थल पर नहीं मौजूद है, क्योंकि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं चाहे वो दंगल के हों या फिर जो वायरल वीडियोज आए हैं उनमें कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि 2:36 से 3:30 तक आशीष मिश्रा दंगल स्थल पर थे या फिर राइस मिल पर थे। तो ऐसे में जो ये गैप है, इस दौरान आशीष मिश्रा कहाँ थे, इसकी जानकारी के लिए लगातार एसआईटी की टीम जुटी हुई है और वो एक एक करके यहाँ पर इससे पहले लोगों से आकर उन्होंने पूछताछ की है। उस दौरान भी लोगों ने, जिन लोगों ने गाड़ियों को आते हुए देखा था, तो उन लोगों ने इस बात को तो जरूर बताया कि जो गाड़ियाँ थी वो बेहद तेज रफ्तार से आई थी, लेकिन उसमें आशीष मिश्रा थे या नहीं थे, क्योंकि उनकी रफ्तार इतनी तेज थी तो वो सही और स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। तो ऐसे में अब एसआईटी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह से इन साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा करती है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और इसकी सुनवाई आगामी 20 अक्टूबर को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि कोई भी इस घटना से साक्ष्य और सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो वो जांच किसी दूसरी एजेंसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर किसान नेता हो या फिर विपक्ष हो, वो लगातार इस मामले में ये कह रहा है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि कल से किसान संयुक्त मोर्चा ने पूरे प्रदेश में देश में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। कल विजयदशमी के दिन जहां किसान संयुक्त मोर्चा इस्तीफे की मांग को लेकर नेताओं का पुतला दहन करेगी, वहीं 18 को रेल रोको अभियान चलाएगी और फिर 26 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़े किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले सरकार ये चाहती है कि जो SIT की जांच है, क्योंकि आज आशीष मिश्रा की रिमांड का आखिरी दिन है, कल सुबह 10 बजे उसे फिर से जेल में दाखिल करना होगा, रिमांड खत्म हो जाएगी, तो इस बचे टाइम में SIT ज्यादा से ज्यादा पूछताछ कर एविडेंस इकट्ठा करके ये एक रिपोर्ट फाइल करेगी और फिर उसी तलाश में जुटी हुई है SIT की टीम और लगातार हर एंगल से भी कदम बढ़ाती हुई SIT की पूरी टीम नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब वीडियोस के जरिए ये साबित नहीं हो पा रहा है कि उस वक्त घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौजूद थे या नहीं थे, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये राहत की खबर उनके लिए हो सकती है? क्योंकि ना तो SIT ये दावा कर पा रही है, ना ही आशीष मिश्र ये बता पा रहे हैं कि 2:40 और 3:30 बजे के बीच वो कहां पर थे, भले ही ये कह रहे हो कि दंगल के कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए मौजूद थे। देखिए, यकीनन ये एक बड़ी राहत की खबर है और यही कारण है कि आपने देखा कि जब वो क्राइम सीन के लिए आशीष मिश्रा यहाँ पर पहुँचा तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं थी और उसके जो वकील हैं, वकीलों का एक पूरा पैनल भी लगातार आशीष मिश्रा के साथ मौजूद है। और हमने जब बात की उनके वकील अवधेश सिंह से तो उनका भी साफ कहना था कि आशीष मिश्रा घटनास्थल के घटना जब हुई तब वो मौके पर मौजूद नहीं था, तो ऐसे में उन पर कोई मामला नहीं बनता। रहा बात ये कह सकता है कि 120B का साजिश रचने का आरोप लग सकता है, लेकिन वो भी उसके भी प्रमाण SIT के पास नहीं है। अंकित दास ने, क्योंकि SIT के दौरान पूछताछ में भी जो जांच हुई है उसमें ये स्वीकार किया है कि वो घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन जो फायरिंग की गई है वो उसके गनर ने की है और जो गाड़ी चढ़ाई है उसके ड्राइवर ने चढ़ाई है, तो ये मात्र एक एक्सीडेंट का मामला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है तो इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल ये सच भी है कि अब तक की जो जांच और साक्ष्य और सबूत मिले हैं SIT के पास, उससे आशीष मिश्रा के मौके पर मौजूदगी की कोई प्रमाणिक आधार नहीं मिला है। और यही कारण है कि एक बार पूरी SIT की टीम DIG उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में IPS सुनील कुमार सिंह समेत तमाम अफसर यहां पर पहुंचे हैं, वो क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं और तमाम जो छूटे साक्ष्य और सबूत हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि आखिर ये घटना कब और कैसे हुई और कौन कौन लोग मौजूद थे और इस घटना का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, और हर कोई यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये हिंसा कैसे भड़की, कौन कौन उस वक्त मौजूद था जब 8 लोगों की मौत हो गई, 4 किसानों की मौत हुई, 4 आम लोगों की मौत हुई जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। लेकिन आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आशीष मिश्र की रिमांड खत्म हो रही है, आज आखिरी दिन है, तो कल एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, उम्मीद क्या है, क्या एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग SIT की तरफ से की जा सकती है? देखिए, यकीनन अगर SIT को आज कल सुबह 10 बजे तक का वक्त है, क्योंकि जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक दी गई थी, तो कल एक बार सुबह 10 बजे फिर से आशीष मिश्रा का मेडिकल कराकर उसको जेल में दाखिल कराना होगा। ऐसे में अगर SIT के पास कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत कुछ और मिलता है तो उसके आधार पर एक बार फिर SIT CGM कोर्ट में ये अपील कर सकती है कि हमारे पास इनके खिलाफ ये पुख्ता साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर हम इनसे और पूछताछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए PCR पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि कल सुबह 10 बजे तक, उससे पहले SIT ये चाहती है, क्योंकि जितने 4 आरोपी हैं उनको अब यहाँ से ले जाकर आमने सामने बिठाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर इनके बयानों को मिलाया जाएगा कि कहीं इनके बयानों में कोई अंतर तो नहीं है, जो ये कहानी बता रहे हैं वो दूसरी तो नहीं है, और तमाम जो साक्ष्य सबूत और जो वीडियो वायरल बता रहे हैं वो इनको रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ये SIT को गुमराह कर रहे हैं,
तो अब देखना होगा कि कल SIT की अब सबसे पहली कोशिश यही रहेगी कि कल सुबह 10 बजे से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा पूछताछ कर सके। इस वक्त एक बड़ी खबर, आर्यन की जमानत पर फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की सेशंस कोर्ट में सुनवाई जारी है। NCB ने जमानत का विरोध किया है, एक बार फिर से NCB की तरफ से विरोध जताया गया है। News 18 के आशीष सिंह के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, मुंबई की सेशंस कोर्ट में ये सुनवाई जारी है। NCP लगातार विरोध जता रहा है, कह रहा है कि आर्यन खान एक प्रभावशाली व्यक्ति है और ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो ऐसे में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इस पूरे मामले की जांच को प्रभावित किया जा सकता है, और उनकी जमानत का विरोध करता हुआ इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि कल जब सुनवाई चल रही थी तो आज तक के लिए समय मांगा गया था, कल भी सुनवाई टली थी। इससे पहले 12 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से तमाम तरह की दलीलें पेश की गई और 2:45 बजे के लिए सुनवाई को टाल दिया गया, और अब एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर एक बार फिर से जेल में ही जाना होगा। आर्यन खान जो कि पिछले कई दिनों से लगातार जेल में इस वक्त मौजूद है, लगातार सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीबी का साफ तौर पर कहना है कि भले ही उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है लेकिन ऐसे पुख्ता सबूत हमारे पास है जो कि ये साबित करता है कि एक बार नहीं पिछले कई सालों से नियमित रूप से वो ड्रग्स ले रहे थे, उनके कई पेडलर्स के साथ संपर्क थे, इंटरनेशनल नेटवर्क भी निकलकर सामने आया है, और ऐसे में इंटरनेशनल लेवल तक की जांच करना बहुत जरूरी है और आर्यन खान से पूछताछ अभी भी कई दिनों तक हमें करनी है और ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो सुनवाई एक बार फिर से आर्यन खान की जमानत को लेकर शुरू हो चुकी है। एनसीबी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि अक्सर ड्रग्स का सेवन करते थे आर्यन। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कुछ अपडेट, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है और कब तक फैसला आ सकता है? देखिए ऋतिक, इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। AIG रिप्रेजेंट कर रहे हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को, और कल ही जो तीन आरोपी थे उनकी तरफ से डिफेंस पूरी तरह से आर्गुमेंट कर चुका था। आज AIG नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जिरह कर रहे हैं और हो सकता है कि इसमें थोड़ा और समय लगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल मैनुअल के हिसाब से सूरज ढलने से पहले ही अगर आर्यन खान को जमानत मिलती है तो उस की ऑर्डर कॉपी जेल मैनुअल के हिसाब से 6 बजे तक पत्र पेटी में पहुंचनी चाहिए। कागज एक होता है और उस कागज को पहुंचना पत्र पेटी में बहुत जरूरी होता है। अगर वो पत्र पेटी में बेल एप्लीकेशन, बेल ऑर्डर नहीं होती है तो आर्यन खान को बेल मिलने के बावजूद भी वो जेल से बाहर नहीं हो सकते हैं। ये जब ऑर्डर आएगा, ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक और जिरह इसमें AIG करें, कोर्ट अपना समय लेगा, जो जमानत वो फाइनल ऑर्डर, लेकिन बिल्कुल विवेक 1 घंटा और जुरा चल सकती है और लगातार NCB जमानत का विरोध कर रही है। NCB की तरफ से AIG अनिल सिंह ने अदालत में कहा है कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बेहद करीबी दोस्त है और ऐसे में दोनों ही क्रूज पर पहुंचे थे ड्रग्स लेने के लिए। हालांकि लगातार उनकी जमानत पर सुनवाई जो है टलती हुई नजर आ रही है, लेकिन AIG जो कि लगातार NCB का तर्क रखते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इंटरनेशनल लेवल तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे ड्रग पेडलर सामने आए हैं जिन्होंने इस बात के पुख्ता सबूत सामने रखे हैं कि ये तमाम लोग उनके संपर्क में थे, और आर्यन खान का व्हाट्सएप चैट जो कि लगातार इस वक्त जांच के घेरे में है। विवेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? ऋतिका, अपना सवाल फिर से दोहराएं आप जी। विवेक, यही बताइए कि कितना वक्त और लग सकता है सुनवाई को जारी रहने के लिए और कब तक फैसला आने की संभावना? ऋतिका, देखिए इस पूरे मामले में AIG अनिल सिंह जो NCB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें समय लगेगा, वो अपना सारा पक्ष सामने रखना चाहते हैं और पुरजोर पूरा विरोध कर रहे हैं कि आर्यन खान को किसी भी तरीके से बेल ना मिले। जिस तरीके से उन्होंने आज बड़े खुलासे किए उसमें साफ तौर पर कहा है कि आर्यन खान या दूसरे आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो वो बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो गवाह हैं उन्हें भी होशियार करने की कोशिश करें। इसलिए जो पूरा मामला है वो अपने आप में काफी बड़ा मामला है।
इसलिए इस पूरे मामले में आरोपी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सिंडिकेट है, जो गैंग है, वो काफी ज्यादा बड़ा है। पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत ड्रग सिंडिकेट को चलाया जा रहा था और इंटरनेशनल लेवल पर बताया गया कि इस ड्रग सिंडिकेट के कनेक्शन है। इसी वजह से जो एएसजी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं उनका खुलासा होना चाहिए। ऋतिका, इस पूरे मामले में तकरीबन 20 लोग को अभी तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ फॉरेन नेशनल भी हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के ड्रग पेडलर भी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है। लगातार एनसीबी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रभावशाली व्यक्ति है आर्यन खान, और ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो इस पूरे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।